और आज जो यहाँ सभी बिहार के जो बड़े महानुभाव लोग उपस्थित थे, ये हमारी समाज की सबसे बड़ी ताकत है। समाज के निर्माण में मारवाड़ी समाज की जो भूमिका है, जो 12 करोड़ देश के मारवाड़ी समाज है, वह आज मानव कल्याण और विश्व कल्याण में हमेशा अपनी इनकी भूमिका रहती है। राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को बचाने में इनकी भूमिका बहुत ही अहम है। मुझे इन्होंने आज पटना में बुला करके जो एक समाज सेवी के रूप में सम्मानित किया, इसके अध्यक्ष सचिव और सभी लोग, एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, यह एक नैसर्गिक ताकत है, मेरे लिए ऊर्जा है। मुझे प्रेरणा मिलती है ऐसे चीजों से, जब हमें कोई स्नेह और आशीर्वाद दे करके काम करने की ताकत देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार की संस्कृति, कल्चर और बिहार की आर्थिक सामाजिक निर्माण में जो इनकी भूमिका है, 15.5 लाख मारवाड़ी समाज है, उनकी सुरक्षा, उनकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा के प्रति पप्पू यादव प्रतिबद्ध है। जीवन में किसी भी परिस्थिति में, जिस भी संकट और दुख और पीड़ा में मारवाड़ी समाज या वैश्य समाज रहेगा, वहां पुत्रवत पप्पू यादव खड़ा रहेगा। पहली कुर्बानी इस समाज के लिए पप्पू की होगी, तभी कोई आंच हम आने देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान में जो आज डेंगू का कहर पटना में और चल रहा है, उसमें इनकी भूमिका हो। हम ये अपील करते हैं मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा कि कल भी 10 वर्ष के बच्चे मरे हैं, इन्होंने डेंगू को दबाया जा रहा है, ये लोग राजनीति कर रहे हैं लगातार, जो इनके मंत्री हैं वह उनको कुछ संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पर है, उन्हें नहीं पता। बांध जाने परसौती के हाल वाला कि एक व्यक्ति मरता है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऐसे लोग मरते हैं। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो पटना में कचरा है, जो इन बड़े नेताओं के कचरों के द्वारा दिया गया जो है, जो आज ऐश्वर्याम की जिंदगी जीता है और जिनके बदौलत जीते हैं, वो आज नर्क में है, उस नर्क से समाज और पटना को निकालने के लिए मारवाड़ी युवा मंच से हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे आएंगे और निश्चित रूप से हम मिल करके कचरा हटाओ, डेंगू भगाओ और बिहार बचाओ के साथ, इस मंच के साथ आगे काम करें।